हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक सी प्रोग्राम डेवलप करेंगे टू डिटरमाइन द एवरेज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन सेवरल लाइंस ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, यूजिंग एक्सटर्नल वेरिएबल। इस प्रोग्राम को हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, बता भी चुके हैं, लेकिन आज हम इसको डेवलप करेंगे दोबारा से, जिसमें हम एक्सटर्नल वेरिएबल का यूज़ करेंगे। तो आप इसको देखिए कि प्रोग्राम किस तरह डेवलप होता है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले से आज का आप लिख सकते हैं इसको कि सी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम टू डिटरमाइन द एवरेज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, एवरेज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पर लाइन यूजिंग एक्सटर्नल वेरिएबल, ठीक है। तो एक्सटर्नल वेरिएबल को यूज करके इस प्रोग्राम को किस तरह बनाया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए हम प्रोग्राम शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने से कमेंट लाइन लिख दिया समझने के लिए यूजर के। हमने लिखा कि रीड सेवरल लाइंस ऑफ टेक्स्ट एंड डिटरमाइन द एवरेज नंबर ऑफ एंड डिटरमाइन द एवरेज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पर लाइन, कैरेक्टर्स पर लाइन, ये काम हमको करना है और इसमें हम एक्सटर्नल वेरिएबल का यूज करेंगे। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, हेडर फाइल इंक्लूड कर ली। हमने कहा इंक्लूड stdio.h, ठीक है। यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया वेरिएबल इंटीजर सम और इनिशलाइज कर दिया 0। यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया इंटीजर लाइंस, इसको भी इनिशलाइज कर दिया 0। यानी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमने कहा कि दिस इज टोटल नंबर ऑफ करेक्टर, तो सम में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स हम स्टोर करेंगे, ठीक है। और लाइंस में क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लाइंस आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि हमने एक फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया, यहाँ पे इंटीजर फंक्शन का नाम रखा लाइन काउंट, ठीक है। लाइन काउंट के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया और वॉइड ये डिक्लेयर कर दिया, दिस इज फंक्शन प्रोटोटाइप। अब मेन फंक्शन शुरू करते हैं, तो मेन किया हमने, यहाँ पे फिर हमने डिक्लेयर किया एक वेरिएबल इंटीजर एन, ठीक है। दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया फ्लोट एवरेज। अब ये इंटीजर एन क्या कर रहा है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन इन गिवन लाइन, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन गिवन लाइन, ये स्टोर हो जाएगा किसमें, एन में, ठीक है। और एवरेज में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा एवरेज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पर लाइन, ये इसमें स्टोर हो जाएगा। अब हमने कहा कि प्रिंट एफ एंटर द टेक्स्ट बिलो, प्रिंट एफ मान लीजिए हमने ये ले लिया स्लैश एन, एंटर द टेक्स्ट बिलो, मतलब अब जो है आप फिर स्लैश एन कर दिया, टेक्स्ट जो है आप यहाँ पे, यहाँ कोट्स बंद कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हम लिख दे रहे हैं आपको कमेंट लाइन में समझा के कि रीड ए लाइन ऑफ टेक्स्ट, रीड ए लाइन ऑफ टेक्स्ट एंड अपडेट द क्यूमुलेटिव काउंटर्स, एंड अपडेट द क्यूमुलेटिव
ठीक है, ये काम हो जाएगा। अब जब लाइन हमने एंटर कर दी तो लाइन कैसे एंटर होगा? तो लाइन एंटर करने के लिए हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो रीड करने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे वाइल लूप दिया, वाइल, और यहाँ पे हमने दिया एन इज इक्वल टू लाइन काउंट। अब यहाँ लाइन काउंट फंक्शन को हम कॉल किया हमने, जब तक कि लाइन काउंट जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तब तक हमें क्या करना है। यहाँ पे हमने लिखा सम में सम प्लस एन कर देना, यानी सम प्लस इक्वल टू एन, ये हो गया। और फिर लाइंस को बढ़ा देंगे, प्लस प्लस लाइंस, ठीक, ये लास्ट तक जो है काउंट कर लेगा। अब उसके बाद एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज इक्वल टू हो जाएगा फ्लोट फ्लोट सम डिवाइडेड बाय लाइंस, ठीक है। और फिर अब ये एवरेज नंबर ऑफ करेक्टर आ गया, तो हम कर देंगे प्रिंट एफ एवरेज नंबर ऑफ करेक्टर्स पर लाइन। यहां हमने लिखा एवरेज नंबर ऑफ करेक्टर्स पर लाइन, ये हो गया आपका 5.2% एफ कोट्स क्लोज्ड कॉमा एवरेज, ये हो गया। यहां पे ये मेन की बॉडी जो है बंद हो जाएगी, ठीक। अब उसके बाद फंक्शन जो हमने यूज किया यहाँ पे लाइन काउंट, उसको डिफाइन कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रीड ए लाइन ऑफ टेक्स्ट, लाइन ऑफ टेक्स्ट एंड काउंट द नंबर ऑफ करेक्टर्स, ठीक। अब यहां हम लिखा इंटीजर लाइन काउंट वॉइड करेक्टर लाइन, ये हमने 80 करेक्टर्स का कर दिया। फिर हमने लिखा इंटीजर काउंट इक्वल टू 0। फिर हमने लिखा यहाँ पे वाइल लाइन काउंट, ठीक है, लाइन काउंट, तो जो कैरेक्टर है वो इज इक्वल टू गेट कैरेक्टर, मतलब कीबोर्ड से जो हम इनपुट करेंगे वो यहाँ पे आएगा। और जब तक कि ये स्लैश एन, मतलब नेक्स्ट लाइन के लिए नहीं आ जाता, तब तक हम क्या करेंगे, काउंट को बढ़ाते रहेंगे। तो हमने कहा प्लस प्लस काउंट, इससे हमें पता चल जाएगा एक लाइन में कितने कैरेक्टर हैं, ठीक। और इसको फिर हम रिटर्न कर देंगे किसको, काउंट को, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमें एक लाइन में कितने कैरेक्टर हैं ये पता चल जाएगा, और हर लाइन के कैरेक्टर जो है सम होके सम में चले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये जो हमने प्रोग्राम बनाया है, इसमें एक चीज आप ध्यान रखिए कि सम एंड लाइंस आर एक्सटर्नल वेरिएबल। इसमें क्या है कि देखिए जो हमने इस फंक्शन में, यहीं पे हम आपको लिख दे रहे हैं कि जो सम वेरिएबल हमने लिया है और जो लाइंस वेरिएबल हमने लिया है, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक्सटर्नल वेरिएबल है, ठीक है। दैट रिप्रेजेंट द टोटल, मतलब क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रीड एंड द टोटल नंबर ऑफ लाइंस रिस्पेक्टिवली। इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर आ जाएंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस आ जाएगी। बोथ ऑफ दीज वेरिएबल्स आर असाइंड इनिशियल वैल्यूज ऑफ 0, दीज वैल्यूज आर सक्सेसिवली मॉडिफाइड
within main as additional lines of text are read. Also इसमें आपने ऑटोमेटिक वेरिएबल में देखिए कि जो हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं कि टू डिफरेंट ऑटोमेटिक वेरिएबल्स में कि ईच कॉल्ड काउंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन इस आज के प्रोग्राम में हमने क्या किया, द वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट द सेम क्वांटिटीज हैव डिफरेंट नेम्स सिंस वन ऑफ द वेरिएबल्स मतलब कि लाइन्स इज नाउ एन एक्सटर्नल वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सटर्नल वेरिएबल का यूज करके भी आप इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट्स या कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और कोई टॉपिक नहीं कवर हुआ है तो वो भी आप पूछ कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ एक्सटर्नल वेरिएबल में जो प्रॉब्लम आ सकती है वो आपको ये ध्यान रखनी होगी कि देखिए इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट आर इनहेरेंट डेंजर्स इन द यूज ऑफ एक्सटर्नल वेरिएबल। क्या एक्सटर्नल वेरिएबल को यूज करने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि सिंस एन अल्टरनेशन इन द वैल्यू ऑफ एन एक्सटर्नल वेरिएबल विद इन ए फंक्शन विल बी कैरीड आउट ओवर इन टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम समटाइम्स दिस हैपेंस इनएडवर्टेंटली एज ए साइड इफेक्ट ऑफ सम अदर एक्शन हेंस देयर इज द पॉसिबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ एन एक्सटर्नल वैल्यू will be changed unexpectedly resulting in a subtle programming error. तो इसके लिए क्या करना चाहिए, we should decide carefully which storage class is most appropriate for each particular programming situation. तो इसको avoid करने के लिए आपको clearly define करना पड़ेगा कि कौन सी storage class जो है suitable है इस particular programming situation के लिए। तो I hope कि आपको external variable का concept clear हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, या कुछ और आप प्रोग्राम चाहते हो उस पर तो भी आप बताइए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।